उसको अंजाम दिया जाएगा। बट आप गाइस ध्यान रखिएगा, ये जो वॉचिंग आप अनलॉक करते रहेंगे आपके साथ साथ आरपी का भी अनलॉक होता रहेगा। लेकिन अभी के लिए स्पाइक को अनलॉक कर दिया टीम आईक्यू सोल ने, सामने है टीम तमिलास का चैलेंज। यूजुअली टीम तमिलास इतनी जल्दी इस फाइट को आगाज करती है, लेकिन अब आगाज कर दिया है तो अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मात्र अब दो ही खिलाड़ी यहां से बचे हुए हैं। कोशिश है रॉनी की पहले अपने साथी को भी रिवाइवल देने, लेकिन साथ ही साथ टीम तमिलास के जो खिलाड़ी है उनको भी ढेर करना बहुत जरूरी हो चुका है अभी के लिए। रॉनी एंड नकुल दो ही खिलाड़ी बचे हुए, बट चलिए यहाँ पे नकुल को मिलती थी ओपनिंग, रॉनी इज ऑल्सो देयर, टीबीवी से एफईवी में स्विच कर रहे हैं। और ये देखिए एक और फ्रैग मिलेगा, रॉनी एंड नकुल दो दो फ्रैग लेके गए। जोकर इन्हें स्पॉट करना चाहिए, कोशिश तो करेंगे मैक को बचाने की। दूसरी भी आ चुके हैं सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए। ये एंट्री करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल सा नजर आ, लेकिन जूसी आपने इस पार्किंग तरीके जो आपने पार्किंग करी है उसमें आपने 50% अपनी एचपी गवा दी है। अब सोच समझ के इस बैटल को अंजाम दीजिएगा। बट जादू अभी भी एक ऐसे एंगल को होल्ड करके बैठे हुए कि आप कितने भी ग्रेनेड फेंक लीजिए शायद उनको ज्यादा भी दिक्कत नहीं आ रहा। आप देखिए एक भी डैमेज, एक भी एचपी नहीं गवा रहे उस तरीके से। ईमेक्स पार्क एलिमिनेट होती हुई नजर आ गई यहाँ पे। आप 19 खिलाड़ी हमारे समक्ष बचे हुए हैं, अपनी सात टीम सरवाइव कर रही है। और अभी देखिए बहुत सारे प्लेयर्स, 19 में से करीबन 10-12 प्लेयर्स सर्कल के बाहर ही नजर आ रहे हैं। या सर्कल के अंदर भी कोई प्लेयर है? मिनी मैप पे नजर डालिए, मुझे लगता नहीं सर्कल के अंदर कोई भी खिलाड़ी है। लेकिन इसी बीच गाइज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, हम 4,92,000 सब्स का हमारा टारगेट है, हेल्प अस हिट दैट। जो लोग भी है वो आइए सब्सक्राइब करके वापस जा सकते हैं आप लोग वॉच पार्टीज की तरफ। बट फिलहाल आईक्यू सोल आ चुकी है, आईक्यू सोल ने कहा पार्टी चल रही है, हमें नहीं बुलाया, तो चलिए दे हैव इनवाइटेड देमसेल्व्स इनटू द पार्टी। लेकिन अब सामने की तरफ खिलाड़ी 8-bit प्रॉब्लम में, जूसी को डाउन किया गया है। और अभी सात टीम्स अब भी मौजूद हैं, बट सामने कंपाउंड है, नकुल भी सामने, और अब अंदर रूम था, एस पावर गए, जूसी का कंफर्मेशन, आदित्य का कंफर्मेशन, 8-bit कंफर्म होती हुई एक और टीम लॉबी के लिए एग्जिट करती हुई। आईकुसोल हालांकि कैजुअल्टी जरूर हुई रॉनी पाजी के रूप में, लेकिन अभी भी थ्री मेन स्ट्रॉन्ग थ्री चढ़ते आएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऑन दी अदर साइड टीम जीरो की अगर हम बात करें, काफी नजदीक आ चुके हैं, काफी नजदीक आ चुके हैं, बट अभी फाइट्स लेनी पड़ेगी। चार फिनिशेस इनके पास है, बट अभी ढूंढना पड़ेगा टीम आईकुसोल के प्लेयर्स को। मोरटोव का प्रकोप आपको चलता दिखेगा डुओरो के द्वारा, और यहाँ पर साथ के साथ टीम जीरो भी फाइट के अंदर है। लीजिए तमिलास का तो समापन वो सातवें पायदान पे होगा, मगर आईकुसोल वो ग्रेनेड्स कनेक्शन ढूंढते हुए। एडी एक मौका है आपके पास, एचपी है आपके पास, आगे बढ़िए, प्रयास करिए कि कंफर्मेशन निकाले, और साथ के साथ एस पावर के हाथ में वो ग्रेनेड, क्या पता वो ग्रेनेड ही एक आखिरी ग्रेनेड हो जिससे कि पूरी टीम एक्स पार्टनर की पूरी टीम जीरो का नजर। और लिया लीजिए समापन आपको होता दिखा, वो ग्रेनेड आती दिखी और उसी के साथ वो समापन, जिस चीज की बात की एस पावर के हाथ में अगर वो ग्रेनेड है तो फिर समापन होता ही दिखेगा। आईकुसोल बची है, एक तरफ बची है टीम हाइड्रा, इन दो टीमों की आपस की वो बढ़त, और क्या टीम आईकुसोल वो टीम बन सकती है जो यहां से उस विनर विनर चिकन डिनर को वो अपना बना के जाए। नंबर्स गेन नहीं है, मात्र दो प्लेयर्स हैं, एस पावर और जोकर, बट एस पावर का ग्रेनेड अभी भी तलाश कर रहा है उन खिलाड़ियों की, आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। एस पावर आपको जरूर से एक प्लेयर तो ऑलरेडी डाउन, इट इज अ 2v2 बैटल जहां पर चांसेस काफी है, स्पॉट किया बट पीछे हटेंगे, कवर्स के अंदर रहेंगे, लेकिन जिस स्पीड से जोकर बढ़ रहे हैं आई डोंट थिंक सब कुछ बचा है यहां से। कुछ भी नहीं बचा है सरदार जी, इट्स अ बैटल बिटवीन हैंड ऑफ गॉड एंड द किंग स्लेयर्स। अभी फिलहाल के लिए तो ड्रैगन सोच रहे कि कैसे अपने फॉलन खिलाड़ी, अपने खोए हुए ब्रदर को लौटाए। इस गेम के दौरान अगर एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा आ गए तो फिर बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाएगी जोकर के द्वारा। एक बहुत बड़ा मोलोटोव, एक अनदर नॉक मिलता हुआ टीम आईकुसोल धीरे धीरे करके टीम हाइड्रा को निस्तराबूत करते हुए एस पावर कोशिश करेंगे आगे जाने की। नेड लॉब की गई एकदम सही जगह पे, शॉट्स कनेक्ट होंगे, प्रीवियस का फटका, एंड विद दैट बीइंग सेड टीम आईकुसोल क्या लाजवाब चिकन डिनर।